हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही छोटी है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो फुल वॉच कीजिए। तो यहाँ पे ना मैं आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो वो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। और एकदम ना मतलब नई रेसिपी कहूँ तो है, और शायद ही मतलब कुछ लोग बनाते होंगे, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे मैं इसकी सब्जी बनाऊँगी। ये जो अरबी के परी पत्ते होते हैं, तो उसकी जो डंठल होती है ना, उसकी सब्जी मैं बनाऊँगी। और बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। एक बार अगर आप लोग खा लेंगे ना, तो फिर बार बार बनाने का मन करेगा। और सच में ना बहुत ही टेस्टी होती है। तो इसको मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, इसको ना इस तरीके से छील लिया जाता है, जहाँ से पत्ते निकलते हैं ना और काट लिया जाता है, वहीं से इसको थोड़ा सा ऐसे छीलेंगे तो बहुत अच्छे से निकल जाता है। आप लोग देख रहे हैं मैं कैसे इसको छील रही हूँ, तो ऐसे ही, और बिना छीले नहीं हो पाता है। तो इसके ऊपर वाला जो छिलका होता है, इसको निकाल लिया जाता है ऐसे करके। तो एक एक करके मैं सारे जितने भी डंठल हैं, तो इसके मैं छिलके मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ। और उसके बाद से ना इसको धुल के और इसको पीसेस में कट कर लूँगी। तो यहाँ देखिए, सारे मतलब जितने भी डंठल थे, तो उसके मतलब छिलके मैंने उतार लिए हैं, और इस तरीके से ये हो गए हैं। और आप लोग देख सकते हैं ना कितने अच्छे से छिलके निकले हुए हैं, और बहुत ही अच्छे से निकल जाते हैं। कितना भी मतलब बड़ा डंठल हो, छोटा हो, तो बहुत ही अच्छे से निकल जाते हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं, तो इसको अब मैं छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर काट लूँगी। जितना छोटा बड़ा आप करना चाहें, बड़ा रखना चाहें तो बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, ऐसे टुकड़ों में अच्छे रहते हैं और अच्छे बनते भी हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और बहुत ही मतलब मुलायम होते हैं इसके डंठल, बहुत ही नरम होते हैं। तो मैं ना चॉपिंग बोर्ड लेके आई थी, उस पर रख के काटूंगी, लेकिन हाथ से ही बहुत अच्छे से कट जाते हैं। तो मैंने हाथ में ही ऐसे लेके मतलब जितना मुझे आ रहा था हाथ में, उतना लेके और ऐसे छोटे छोटे पीसेस में इसको मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से यहाँ पे कट हो गया है। तो ऐसे ही कट कर लेंगे, और इसमें मैं डालूँगी एक आलू, तभी मैं दिखाऊँगी आप लोग को। और देखिए, ये सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पे मसाले ले रही हूँ। तो हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, सरसों, हरी मिर्च और लहसुन, और 5-6 काली मिर्च है। तो ये हल्दी सरसों वाली सब्जी इसकी मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक आलू मैंने कट कर लिया है, क्योंकि ना गलती है तो बहुत कम सब्जी हो जाती है, जैसे गलती है, तो इसलिए मैंने इसमें एक आलू डाल दिया है। असल में ना बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इसकी, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मसाले मैंने मिक्सी में डाल मतलब जार जो होता है उसमें डाल दिया है, और अब मैं इसको पीस लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर मेरा मसाला यहाँ पर पीस गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके मसाले मैंने कोई बारीक पेस्ट, अगर थोड़ा मोटा भी रहे तो चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तेल मेरा यहाँ कढ़ाई रखी थी मैंने, तो तेल गरम हो गया था, तो उसमें मैं मेथी दाना से तड़का लगा दे रही हूँ। और उसके बाद से ना उसी साथ में मैं आलू को फ्राई कर लूँगी थोड़ी सी। और जब भी मैं हल्दी सरसों वाली सब्जी बनाती हूँ, तो मैं मेथी दाना से ही मतलब तड़का लगाती हूँ, और मेथी दाना से ही तड़का लगाने से बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आलू मेरी यहाँ पे फ्राई हो गई थी, और उसके बाद से जो मैंने ये मतलब कट करके रखे थे अरबी के पत्ते की जो डंठल है, तो इसको मैं इस पर डाल दी हूँ। और कुछ देर तक दोनों को साथ में भूनने के बाद ना, फिर मैं यहाँ पे मसाले डाल दे रही हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और मसाले डालने के बाद ना, जो जार में थोड़े बहुत लगे होते हैं, तो उसमें पानी डाल के और फिर यहाँ पे इसको भी इसमें डाल देती हूँ। और फिर इसमें ना स्वाद अनुसार आप नमक डाल लीजिए, तो थोड़ा चटपटा ही नमक इसमें अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, और नमक डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसको ढक के और धीमी आंच पे पकाऊंगी। तो मसाला इसमें अच्छे से भुन जाता है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने मतलब मसाला भुन के नहीं डाला तो कच्चे रह जाते हैं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छे से मसाले भुन जाते हैं। और ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ढक्कन मतलब हटा के और ऐसे ही चला के मतलब देख लेंगे। और इस पर ना उसके बाद से थोड़ी जब हो जाती है आलू, तो इसमें जो आम का अचार होता है, जो मतलब उसको यहाँ पर थोड़ी सी डाल देते हैं। आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आम अचार ही डालती हूँ, तो उससे स्वाद अच्छा आता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेरी सब्जी बन गई है। और इसको जब हो गई है, तो थोड़ी देर के लिए मैंने खोल के ऐसे ही भून लिया है, और सच में ना बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। और यहाँ देखिए, पूरी सब्जी मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने निकाल लिया है, और बहुत ही टेस्टी बनी थी, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कैसी लगी मेरी रेसिपी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल
को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से कल मिलूँगी, तो बाय, थैंक यू।